हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे से होंगे, कामों में मस्त और व्यस्त होंगे। तो विंटर लगभग ख़त्म पर है, अब धीरे धीरे करके समर स्टार्ट हो जाएगा, यानी मानसून स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये डेंथस का प्लांट है और डेंथस एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड कि थोड़ी सी केयर की जाए तो पूरे साल आपके गार्डन में रहेगा। फ्लावर थोड़ा कम देगा समर में मानसून में, लेकिन प्लांट जो है रह जाता है एक सब। तो देख सकते हैं मेरे पास में बहुत सारा कलर में है, इसका जो है ना छोटा छोटा सा पौधा लेकर के आते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें मेरे पास कलर है और सभी जो है अलग अलग कलर में है। ये देख सकते हैं लाइट पिंक, यहाँ रेड और वाइट है, ये पिंक और वाइट है। इधर भी देख सकते हैं ये भी बहुत सुंदर सा कलर लग रहा है, उतना अच्छा दिख नहीं पा रहा है मोबाइल पर। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड, इसको परमानेंट बनाने के लिए मानसून में तो आपको बहुत जगह बारिश हो तो आपको मानसून सीजन में इसको हटा के रखना है। ऐसे जगह पर रखना है जहाँ इस पर बारिश का पानी ज़्यादा न गिरे, थोड़ा बहुत गिरने से ख़राब नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा जब लगातार बारिश होती है उसमें इसको हटा कर कहीं छांव पर रख दें। ये प्लांट जो है सीड्स से भी और कटिंग से आसानी से लग जाता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड, हल्की सी देख रेख करनी पड़ती है। फ्लावर भी बहुत ज़्यादा खिलता है, इसलिए इसको समय समय पर कंपोस्ट भी डालना बहुत ज़रूरी है। पानी का भी ख्याल रखना होगा, 3-4 घंटे की आपको इसको मॉर्निंग की धूप देनी है। ये देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर धूप मिला तो भी प्लांट जो है आपका ख़राब नहीं होगा, केवल बारिश में प्लांट ख़राब होने का डर होता है। तो चलिए इसको क्या करते हैं कि प्लांट जो है मेरे यहाँ परमानेंट रह जाए। थोड़ी सी देख रेख, पिछले बार मेरा छूट गया था तो बहुत सारा प्लांट ख़राब हो गया था, एक ही दो प्लांट बचा था। और ये जितना भी देख रहे हैं फ्रेंड सब नया प्लांट लिया हुआ है, दो जो है नीचे में रखा हुआ है जो पुराना प्लांट है पिछले साल का है। तो चलिए सबसे पहले एक कैंची ले लेते हैं, इसको साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। ये जितना भी आप देख रहे हैं फूल जो है सूख गया है, इसको ऐसे कट करना है। अब एक तो उसमें फ्लावर खिला तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस तरह से कट करके हटाते जाना है। कोशिश करना है वहाँ से कट करें जहाँ इसका नया ब्रांच निकलता है, जैसे देख सकते हैं इसको जो है इसमें एक दो बचा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको काट के दिखा देते हैं। देख सकते हैं किस तरह से काटे हैं नीचे से, ताकि जो भी नया नया यहाँ पर हो, देखिए इस तरह से नया कटिंग करने के बाद देखिए नया कैसे ब्रांच निकलता है। इसको तो हमेशा आप नहीं काटिएगा, 15 दिन 20 दिन जब भी हो जाए तो इस तरह से कट भी कर दीजिए, या तो आप देख सकते हैं हल्के हाथों से इसको हटा दीजिए। ये देख सकते हैं इस तरह से, तो जितना भी है सबको पहले कटाई कर लेते हैं, उसके बाद आप मिलते हैं कि उन कौन सा इसमें कंपोस्ट डालेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, एक सूखा हुआ था तो उसमें से इस तरह से सीड्स निकला है, दिखा देते हैं आपको भी। जो इस तरह से सूख जाता है, एकदम जब सूख जाएगा तो इसके अंदर जो है सीड्स बन जाता है। और तो मेरे पास में है नहीं, तो दिखाते हैं आपको, ये तो गीला है भींगा हुआ है, जब एकदम सूख जाएगा तो उसके अंदर से जो है सीड्स निकल जाता है। तो है ही नहीं, सब कट करके हटा दिए हैं, रहता तो फिर आपको दिखाते। जैसे देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो है ये थोड़ा गीला है तो इसके अंदर से भी ग्रीन निकलेगा, इसको बीच से ऐसे हटाइएगा तो देख सकते हैं इसमें से निकलेगा, नहीं निकल रहा क्योंकि पूरा गीला इसी में लग जा रहा है। तो इस तरह से कट करके पहले हटा लेना है, हटाने के बाद जो भी इसमें अनवांटेड प्लांट है उसको निकाल देना है और इस तरह से गुराई कर देना है फ्रेंड। इसके ऊपर जो ऊपर तक रूट्स वगैरह बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होता, बस हल्की हल्की गुराई कर देनी है और जो भी खरपतवार निकल जा रहा है बस उसको हटा देना है। गुराई कर देना है और ये देखिए कुछ कुछ इसमें निकल जाता है। देखिए पिटूनिया का भी प्लांट निकल गया, लेकिन हमको पिटूनिया नहीं चाहिए तो उसको हटा देंगे इस तरह से, उसकी रूट्स से ही निकालना है, टूट गया इस तरह से निकाल देना है। निकालने के बाद ये देख सकते हैं फ्रेंड, इतना सब कट करके हटा दिए हैं। ये देख सकते हैं ये बर्मी कंपोस्ट, अगर बर्मी कंपोस्ट आपके पास में नहीं है तो आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। और ये जो है कुछ सीवीड है, देख सकते हैं ये सीवीड है,
ये प्योर जो है ऑर्गेनिक होता है, कोई इसमें केमिकल नहीं रहता है। तो मेरे पास 8-10 प्लांट है, तो उसमें इस तरह से इतना ले लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना रहता क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लावर करता है। और अभी विंटर में तो आपको डेली फ्लावर इसमें मिलते जाएगा। कट करके हटाइए, फिर आपको कोई गुच्छा सा निकलेगा और फ्लावर निकल जाएगा। देखिए जैसे कट करके हटाते हैं तो इस तरह से नया नया ब्रांच निकलते जाता है। इन सबको ये कम से कम एक पॉट में 8-10 जाना चाहिए। इस तरह से इसको मिला देते हैं, मिला करके बस देख सकते हैं इस तरह से साइड साइड से आपको देना है। इस तरह से साइड साइड से दे दे और ऊपर नीचे मिट्टी को कर दे। ये भी देखिए इस तरह से, और 15 दिन में इस बार जगह हम इसमें सूट डालेंगे। 15 दिन के बाद इसमें कंपोस्ट, तो इसमें थोड़ा सा राख मिला लेंगे। राख मिलाने से होता है क्या फ्रेंड कि पॉट में देख सकते हैं पूरा पॉट जो है ना भर जाता है प्लांट जो है, और नीचे मिट्टी तक धूप नहीं आ पाता, तो नीचे में जो है ना मिलीबग या फंगस लगने का डर रहेगा। तो आप 15 दिन के बाद महीने में एक बार आपको इसमें राख का भी प्रयोग करना होगा। जैसे ये कंपोस्ट हम मिला करके डाल रहे हैं तो एक महीने में इसको राख भी मिला करके इसमें डाल देंगे। देख सकते इस तरह से डाल देना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 15-15 दिन में डालिए, देखिए कितना अच्छा से फ्लावर होगा। और मिट्टी हल्का सा गीला है तो बस में वाटरिंग नहीं करेंगे। इस तरह से करके आप इसको छोड़ दीजिए और इसको 4-5 घंटा अच्छी धूप मिले, देखिए कितना ज़्यादा अच्छे से फ्लावर करता है। केवल बारिश के मौसम में, मानसून के सीज़न में जो है इस प्लांट को हटा कर रख देना है। ये प्लांट आपके यहाँ परमानेंट हर साल उभर रह जाएगा आराम से। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो फ्रेंड, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।